आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज। आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज। आधा दर्जन पुलिस नाकों को पार कर किसान दिल्ली कूच के लिए रवाना। पुलिस की ढुलमुल कार्यशैली के चलते यातायात व्यवस्था चरमराई, घंटों जाम में फंसे रहे लोग। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली कूच को लेकर गुरुवार सुबह मध्य प्रदेश व यूपी के सैकड़ों किसान अपने वाहनों के साथ आधा दर्जन पुलिस नाकों को पार कर आगे की ओर बढ़ गए। पुलिस प्रशासन ने किसानों को काफी रोकने व समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसानों ने पुलिस व प्रशासन की एक ना मानी और वह दिल्ली की ओर आगे बढ़ते गए। किसानों ने यहाँ सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। दिल्ली कूच की ओर किसानों की जिद के आगे पुलिस प्रशासन को भी घुटने टेकने पड़े और पुलिस प्रशासन प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने के बजाय मूक दर्शक बनके सड़क किनारे पर खड़ा हो गया। पुलिस के ढुलमुल कार्यशैली के चलते हाईवे के दोनों मार्गों पर वाहनों का कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इस जाम के कारण वाहन चालकों व जाम में फंसे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारी किसानों ने कड़ी मशक्कत व सूझबूझ के साथ जाम में मरीजों से भरी एम्बुलेंस व दूल्हे की गाड़ियों को बाहर निकालकर आगे के लिए रवाना कर दिया। कृषि कानून बिल के विरोध में मध्य प्रदेश ग्वालियर व यूपी मथुरा से सैकड़ों किसानों का जत्था ट्रैक्टरों व चौपहिया वाहनों में भरकर नेशनल हाईवे स्थित हरियाणा यूपी की सीमा करमन बॉर्डर पर पहुंच गया। किसानों की करमन बॉर्डर पर पहुंचने की सूचना मिलते ही जिला पुलिस में हड़कंप मच गया। जिला पुलिस अधिकारियों ने भारी पुलिस बल करमन बॉर्डर के लिए रवाना कर दिया। करमन बॉर्डर पर मौजूद नाके पर पुलिस प्रशासन ने किसानों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन किसानों ने पुलिस प्रशासन की एक ना सुनी। किसानों की जिद को देख पुलिस प्रशासन ने दिल्ली जाने वाले मार्ग बड़े वाहनों को आड़ा तिरछा खड़ा कर किसानों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी किसान दिल्ली कूच के लिए आगे बढ़ते रहे। स्थानीय पुलिस प्रशासन ने करमन बॉर्डर के बाद उजीना ड्रेन, बुलवाना चौक, बाबरी मोड़, बंचारी व मुंडकटी थाने पर नाका लगाकर किसानों को रोकने की हर संभव कोशिश की, लेकिन किसानों की जिद के आगे पुलिस प्रशासन ने भी घुटने टेक दिए। प्रदर्शनकारी किसानों ने यहाँ बाबरी मोड़ पर लगे डायवर्जन के बोर्डों को भी पलट दिया और भारी पत्थरों को भी साइड में कर आगे के लिए कूच कर गए। किसानों में दिल्ली कूच के प्रति बढ़ते जोश को देख पुलिस प्रशासन भी साइड में खड़ा होकर मूक दर्शक बनकर तमाशा देखता रहा। यहाँ किसान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिल्ली की ओर आगे बढ़ रहे थे। ग्वालियर मध्य प्रदेश से आए किसानों के इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे किसान नेता सरदार सुरेंद्र दत्सा सिंधु व पूर्व जनपद अध्यक्ष सरकार प्रगट सिंह ने बताया कि ग्वालियर से लगभग 50 ट्रैक्टरों व चौपहिया वाहनों का जत्था दिल्ली कूच के लिए रवाना हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने अपने पत्थर में मौजूद किसान भाइयों के लिए अगले 6 महीने के लिए राशन व खाने पीने की सभी सामग्रियां साथ ली हुई है। उन्होंने कहा कि जब तक मोदी सरकार किसानों की मांगों को पूरी नहीं करेगी, उनकी मांग पूरी नहीं कर देती, तब तक उनका ये प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने अपनी मांगों में कहा कि केंद्र सरकार ने जो किसानों के विरोध में 3 अध्यादेश लागू किए हैं उन्हें वापस लें और पराली जलाने पर जो किसान पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने का फैसला लिया गया है उसे भी वापस लें। इसके अलावा किसानों को यहाँ ये भी कहा कि जब तक केंद्र सरकार किसानों की सभी मांगों को पूरा नहीं कर लेती, तब तक किसान शांति ढंग में दिल्ली में अड़े रहेंगे। पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी किसानों का जत्था दिल्ली के लिए रवाना हो गया। किसानों के होटल से दिल्ली कूच के लिए बढ़ने के बाद ही यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से शुरू हो सकी। जो आपके नेतृत्व में जो रैली चली है, कितने लोग हैं, कितने ट्रैक्टर हैं, कितनी ट्रॉलियां हैं और कितने व्हीकल्स हैं जो आपके उसमें नेतृत्व में यहाँ जो होडल बॉर्डर यूपी और उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर जो किसानों से भरे हुए आए हैं? ऐसा हमारे साथ जो है, जब जत्था वहाँ से हमारा चला था ग्वालियर से, तो बामौर पे हमने गिनती की थी 50 या 52 ट्रैक्टर थे और एक ट्रैक्टर में 18 से 20 लोग हैं। उनके रहने सोने के लिए गद्दे लगा रखे हैं ट्रैक्टरों में और कुछ ट्रैक्टरों के पीछे खाली ट्रालियाँ डाली हैं, उनमें हमने जो गेहूं का आटा, राशन, दाल, पानी, सब्जियां जो है भरी हुई हैं और बर्तन, गैस सिलेंडर, ये सामान रखा हुआ है। हम 6 महीने के राशन की व्यवस्था करके चले हैं। बाकी हमारे जो पीछे किसान बंधु हैं
उन लोगों के मैसेज आए हैं कि हम आप लोगों के लिए राशन की जब भी और जरूरत पड़ेगी अगर निपटता नहीं है, 6 महीने तक भी आप रहते हो तो आपके लिए पास दिल्ली में जो है जिस चीज़ की भी कमी होगी हम 24 घंटे में दिल्ली पहुँचाएंगे। तो अब आप कहाँ पर रुके और क्यों रुके हो? हमको जो ये हरियाणा वाले बॉर्डर पर यहाँ रोका था पुलिस ने, तो हमारे ट्रैक्टर सारे रोक लिए गए थे यहाँ पे, तो उन लोगों से जो है झूमा झपटी हुई है। झूमा झपटी के बाद जो हमने यहाँ से ट्रैक्टर निकाल लिए किधर के दिया दिल्ली की तरफ कूच कर गए हैं आपके ट्रैक्टर या नहीं की तरफ को कूच कर रहे हैं, और ये जो मथुरा वाला बॉर्डर है इसी बॉर्डर पे जाके जो हम लोग खड़े होंगे जी। तो अब आपने पुलिस ने आपको बिल्कुल रोका हुआ है या आप? हाँ, अभी पुलिस ने रोका था, पुलिस से के चुंगल से हमारे काफ़ी ट्रैक्टर जो 30-40-50 आगे कुछ निकल गए, कुछ ट्रैक्टर हमारे कोसी में रोक लिए गए थे उनको वहाँ से जो अब फिलहाल जो स्थिति है क्या है? स्थिति क्या है, यहाँ से हम निकलेंगे जैसे भी संघर्ष करते हुए दिल्ली पहुँचेंगे। अगर आपको पुलिस रोकती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? हम वहीं पर जो है रोड पर खड़े होकर मतलब बैठ कर वहीं शांतिपूर्वक आप अपने बर्तन निकालेंगे, भांडे निकालेंगे, वहाँ खाना बनाएंगे, और चाहे 2 दिन वहाँ रोके रहे 2 दिन हम खाएंगे। इससे तो रोड जाम हो जाएगा, रोड की व्यवस्था खराब हो जाएगी। ऐसा प्रशासन कर रहा है ना? हाँ, हम नहीं कर रहे हैं, हम तो अपनी एक तरफ से जा रहे हैं और एक लाइन में जा रहे हैं। जब प्रशासन जो तंग करके हम लोगों को जो इकट्ठा करेगा तो अपने आप इकट्ठे होंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरदार प्रगट सिंह जी है। जी प्रगट सिंह जी, जो आज आपने यहाँ जो दिल्ली कूच कर रहे हैं किसान यूनियन किसान नेता और किसान जो कर रहे हैं दिल्ली कूच, क्या उद्देश्य और क्या मांगे हैं आपकी? हम लोग मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से सब लोग एकत्रित होकर के आए हैं और माननीय सुरेंद्र सिंह जी सिद्धू के नेतृत्व में सब लोग तैयार होकर के आए हैं, और हमारा एक ही मकसद है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 अध्यादेश लागू किए हैं उन्हें वो वापस ले, और यही एक पूरी जोर से भरसक एक ही मांग है हमारी कि 3 अध्यादेश वापस लिए जाए। अगर सरकार अपनी अध्यादेश की उसको आदेश को वापस नहीं लेती है तो आपका क्या कदम होगा आगे? हम सब लोग किसान इसकी मांग भरजोर करते रहेंगे, काफ़ी पूर्ण तैयारी के साथ आए हैं और किसान हमारे पीछे से आ रहे हैं, इस मांग को हमेशा बरकरार मांग रखे रहेंगे, जब तक पूरी नहीं होती हम दिल्ली पे अड़े रहेंगे और दिल्ली से ये मांग पूर्ण करवा के ही जाएं। इन 3 अध्यादेशों के अलावा और भी कोई आपकी मांग है? एक मांग सबसे बड़ी जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया कि पराली को जलाने पे 1 करोड़ का जो जुर्माना लगाया जाएगा, वो किसान इस लायक नहीं है कि 1 करोड़ रुपये का जुर्माना दिया जा सके, और उसको भी इस अध्यादेश को भी लागू किया उसको भी वापस करें।